नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल विद अजय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं कि ये इंडिकेटर आप अपने सेटअप में लगा सकते हैं और इस इंडिकेटर का एक्यूरेसी रेट भी बहुत बेटर है। तो वैसे आप अगर इंडिकेटर नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे तो कैसे प्राइस रहता है कि कब आपको ख़रीदना है, कब आपको बेचना है, तो नए ट्रेडर के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए ये इंडिकेटर मैं भी यूज़ करता हूं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम क्या है और क्या सेटिंग है। तो ये दो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलके बना है और दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं लगा के आपको सेटिंग बताता हूँ। आपको पहले जाना है इंडिकेटर में, EMA आपको मूविंग एवरेज आपको जो है सेलेक्ट करना, एक और दो, दो बार हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी दो मूविंग एवरेज आ गया है। तो अभी फर्स्ट जो मूविंग एवरेज है इसको जो है हमें 5 कर देना है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है लेंथ को 5 कर देना है और फिर ओके कर देना है। ओके के पहले आपको इसमें जाके प्लॉट में आपको कलर चेंज कर देना है, क्योंकि दोनों का कलर सेम रहेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा कि कब इंडिकेशन दे रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाले को रेड कर दिया, ठीक है। और इसको थिकनेस यहाँ नीचे लिखा है, थिकनेस चेंज कर सकते हैं जिससे आसानी से आप समझ पाएँ। तो रेड 5 EMA को कर दिया। सेकेंड EMA को फिर से हमें जाना है और इनपुट में जाने के बाद इन 9 EMA को हमें 13 EMA कर देना है, ठीक है, 13 EMA कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लॉट में जाना है। प्लॉट में जाने के बाद जो कलर है सेम रखना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला 5 EMA का रेड है और इसका ब्लू है, तो इसका थिकनेस अगर आपको चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। तो थिकनेस आपने चेंज कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेटअप बन के तैयार हो गया। हमने क्या किया, EMA 2 सेलेक्ट किया। EMA आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, EMA मूविंग एवरेज, उसको जो है सेटिंग में जाने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए 5 EMA कर देना है, 5 यहाँ लेंथ में कर देना है। और स्टाइल में जाने के बाद हमें जो है कलर आपको अगर जो चाहिए आप चेंज कर सकते हैं, और थिकनेस चेंज करना चाहिए तो आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड EMA को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इनपुट में जाना है और यहाँ 9 लिखा रहता है तो आपको 13 कर देना है। और स्टाइल में जाके आपको फिर कलर में चेंज करना है, कलर तो चेंज कर सकते हैं और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी EMA अपना सेटअप बनके तैयार हो गया 2 EMA का। अभी आप देख सकते हैं इसका ट्रेडिंग भी आपको दिखा सकता हूँ एग्जांपल के साथ। आप बहुत सारे ट्रेडिंग आप जैसे देखिए, यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आपको देखिए सेल का मतलब आप पुट ले सकते हैं, और पुट लेने के बाद आप डायरेक्ट देखेंगे तो कितना नीचे मार्केट गया है, यहाँ से लगभग आप यहाँ एग्जिट दिखाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से आप यहाँ एक ट्रेड आपको छोटा प्रॉफिट हुआ है, आपको बाइंग का दिखाया है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिखाया है छोटा ट्रेड दिया है, लेकिन उसके बाद देखेंगे यहाँ एग्जिट दिखाया है एक कैंडल पे, तो भी आपको प्रॉफिट इसमें होता है। फिर से आप देखेंगे आपको यहाँ से यहाँ ट्रेड मिलता है, तो कंटिन्यूसली ट्रेड मिलता है। और लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि आप ट्रेड जब ले रहे हैं ना, तो अगर मार्केट वन साइडेड है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो आप अगर कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बचिए। लेकिन ये इंडिकेटर, इसका एक्यूरेसी रेट बहुत बढ़िया है, इसका रिटर्न, इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आपका जो स्टॉप लॉस है ट्रिगर नहीं होगा। और जब इसमें इंडिकेशन देता है, आप देख सकते हैं कि आपको कब खरीदना और कब बेचना है, जब ये 5 EMA ऊपर से क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ 5 EMA क्रॉस कर रहा है, तो आपको पुट बाई करना है, मतलब आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। और जब आप देखेंगे यहाँ ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जब 5 EMA क्रॉस कर रहा है तो आपको कॉल बाई करना है, मतलब आप स्टॉक में भी लगा सकते हैं, आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा जो है ट्रेड मिलता है आप, और जब ट्रेड एक भी ट्रेड अगर अच्छा मिल गया ना आपको, देखिए यहाँ से ट्रेड
यहाँ से आपका एंट्री बनता है और मार्केट, यहाँ आपका 5 EMA जो है क्रॉस किया और यहाँ आपको एग्जिट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने बाई किया, ठीक है, यहाँ आपने बाई किया, मैं लिख देता हूँ बी, बाई किया और यहाँ आपने सेल किया, यहाँ आपने पुट को सेल किया, तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट होता है। केवल आप देखेंगे कंसोलिडेशन मार्केट में आपको प्रॉफिट कम होगा, बट आपको ऑल ओवर आप देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा EMA के बारे में, एक बार फिर से बताता हूँ, आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद EMA आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ टाइप करना है, मूविंग एवरेज आ जाता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको जाके फर्स्ट वाले को 5 करना है, सेकेंड वाले को 13 करना है, उसके बाद ये आपका सेटअप बनके तैयार हो जाता है। और जब 5 EMA ऊपर से क्रॉस करता है तो आपको बाई करना है, और जब नीचे की तरफ क्रॉस करता 5 EMA 13 EMA को तो आपको सेल करना है। तो इससे आपको पता लगता है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, कब तक ट्रेड में बने रहना है। तो आपको ट्रेड मिलता है और इसमें आपसे इसमें जो भी आपका लॉस है धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, लेकिन इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, जब आपको टारगेट मिल जाता है तो आप टारगेट से एग्जिट हो जाइए। तो थैंक यू सो मच, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।